हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, जो हम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, इस टेस्ट को हम लोग सबसे ज़्यादा वैलिड मानते हैं बाइसेप्स के जो हमारे लॉन्ग टेंडन है उसके लिए। सो इसको बोलते हैं टेस्ट क्लस्टर्स फॉर लॉन्ग एड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है। अब इसके अंदर हम दो तरीके के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कैसे कैसे टेस्ट परफॉर्म करने बता देता हूँ। पहला जो टेस्ट रहता है वो ऐसा टेस्ट रहता है कि आपको पेशेंट पोजिशन जो है उसमें पेशेंट का आपको जो एल्बो है वो बॉडी से टच करके रखना है, हल्का सा इंटरनली रोटेट करना है, और आपको पेशेंट को आप हाथ देख रहे हैं यहाँ पर फिस्ट बना के रखना है। अब इसमें यहां से आपको रेसिस्टेंस देना है और पेशेंट को जैसे हम बॉडी पे अपरकट मारते हैं किसी के फेस पे, वह उस तरीके से पंच करने के लिए बोलना है और आपको रेसिस्टेंस देना है। ठीक है, पंच करने की कोशिश करिए। ये देखिए गाइस, बढ़िया, ठीक है, वापस पास में ले आइए, बढ़िया, फिर से करिए। हाँ देखिए गाइस, एक तो ये रहता है। इस टेस्ट में अगर एंटीरियर साइड पे कहीं पे भी पेन होता है तो यानी कि लॉन्ग टर्म बाइसेप्स ब्रेकिया डैमेज है। दूसरे टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको कोरेकोइड प्रोसेस को पहले पालपेट करना है, और कोरेकोइड प्रोसेस के जस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर आप लेटर लाएंगे तो आपको बाइसेप्टल ग्रूव मिल जाएगा। बाइसेप्टल ग्रूव में आपको हैंड को पैसिवली पकड़ना है और थोड़ा सा इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट करके ये देखना है कि क्या पेशेंट के बाइसेप्टल ग्रूव में जो बाइसेप्स का टेंडन है वो आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये यहाँ पर आप आइसोपेटल ग्रुप में टेंडन को फील नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी टेंडन है, या अगर पेन हुआ तो फिर टेंडनाइटिस है। ये दोनों टेस्ट ये प्रूव करते हैं कि अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं तो लॉन्ग एंड बाइसेप्स ब्रेकिया जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, और अगर ये दोनों टेस्ट में से कोई एक भी नेगेटिव है तो फिर ये लॉन्ग एंड बाइसेप्स ब्रेकिया का नहीं है। फिर आपको दूसरे टेस्ट परफॉर्म करके जो पैथोलॉजी है वो चेक करना है कि असल में पेन जो हो रहा है वो किस वजह से है।